भाईजान है जनाब, या पैड दिए पाद मार मर, मैं पहले कौन था चटाई बिछा ले गया की तरह, लेटरिन में भी कौन है आड़ा क्या ना उतरा था, पाकिस्तान भर का पिछड़ा इलाका था है ये, विलायती सीट बैठने की आदत है कोनी, खेत मगाया होगा सबेर पहले। यह रामखोर पाकिस्तानी कुत्ते, खुद तो मरे मरेंगे, गेला मार्ज से रोंगे या नहीं मरवाएंगे। बाबर है? हाँ इकबाल मिया। तू बाबर नहीं गोबर है? चलो मैं गोबर हूँ तो तू घूंगला है, काम बोल के था। ये ऊपर क्यों लगा रखा है? इसमें काटो के बच्चे हैं बिल में, इसको ऊपर लगा रखा है, इसका मीट बहुत बढ़िया बना है। फिर काटो के बच्चे खाओगा? हाँ क्या काम था? काटो के बच्चे तो तेरे जाड़ में रह जाएंगे, मैं तो ना काटे खुआ दूंगा। काटड़े? हाँ वाह भाई जान, मौज कर दिया अपने तो। अरे बैठ जाओ, तेरा और मेरा क्या रिश्ता? लाए लाए लल्ला। और रुक जा कलीला, बात सुन ले मेरी। क्या बात होगी भाई जान, बस रोटी भर का मुंह क्यों कर रहा है? तुम बेरा कौन क्या हो गया ना? तेरा जनाब बिरजा खातून लव जियाद के चक्कर में फंस गया। रा जनाब डटया नहीं गया तेरे पर बुढ़ापा में। इकबाल मियाँ कुछ करो ना, पुलिस वाले तो उसका तित्र हमारे के घेर देंगे। उसकी चिंता छोड़ तू, पहला खुद का घात बचा ले। क्यों मेरा क्या होगा? अगर तेरा पुलिस आगे नाम ले दिया ना, तेरा लाड़सा घीस के ले जाएंगे। अच्छा या तो मैंने सोची कौन थी, या ला बूढ़ा चिड़न सदबुद्धि दी जो मेरा नाम ना ले वो। चिंता ना करो भाईजान, अल्लाह ताला सब खैरियत रखेगा, बस तू संभल करिए थोड़ा। अल्लाह ताला का दे जमाए ताड़ा लगवा दे। के बात सिराज, घनी चिंता में रहा करता है, घर की टेंशन तो नहीं थी उसने? घर की टेंशन थी मियाँ, उसकी बिचली बेगम रजिया बहुत बेइज्जती कराया कर दी उसकी, घर में घुस दिए गाड़िया स्वागत कराया कर दी। तलाक दे देंदा फिर, पाकिस्तान में तो आसान नहीं है, 3 बार तलाक बोलना था, छुट गया पीछा बस। तलाक देने तो बीवी का रिश्ता तो खत्म हुआ है, बहन तो रोएगी, चाचा की छोरी थी। फिर करके 32 टुकड़े दर दे और फ्रिज में। यो काम करने था पहले जनरल ने फतवा काट दिया और हिंदुस्तान माना पड़ गया। अच्छा रे बुरी बनी फिर या? बुरी तो बनी भाई जान, पर के कर सका। ठीक है मेरा नमाज का टाइम हो गया। भाईजान दो बीड़ी धर के जाइयो, मेरा पेट में हिज्जत हो रही है, फ्रेश को नहीं आगा दान वाला। अरे नवाज पढ़ते हैं बोलते नहीं है कुफर। हेलो, हाँ ये बाबर सिराज तो अपना वार्ड में है यार। अच्छा यह किस तरह बनी? ना मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इलेक्शन लोग आ रहे हैं, अपने आखिर सा कराई दूंगा तेरा, अरे कराई दूंगा इंटरव्यू, कोई बात को नहीं, पर तू मेरा ख्याल रखिए। अरे मोहित उस पेंसिल की दुकान में बाबर पाओगा, उसने बुला के लाए एक बार, ठीक है ना? मुल्ला पा जाएगा नहीं पा जाएगा दुकान में? ओ पंचर पुत्र ढंग तो नहीं बोल सकता, घर खंड वर्ग मोड़ा बोल के काम था। अरे सरपंच बुलाव है के बात है, उसकी गाड़ी में आवा तो सवेरे चेक कर आया था मैं, हाँ कपड़ा मारना रह रहा था वो तू मार दे। फालतू ना बोले, तेरा काम से हो तावड़ाग न मर ले सरपंच से मारे। तू चल मैं आऊँ। हाँ नहीं आज तावड़ाग ने सरपंच साहब। राम राम। राम राम तो ठीक है, इससे काम खतर बसाई देगी था हमारा। सरपंच साहब अगर आप सिराज का जिक्र करो ना तो खुदा का सम्मान उसका बिल्कुल भी लम नहीं था, मैं तो खुद डरा हुआ हूँ कहीं वो मेरा नाम ना ले दे। ले दिया उसने तो नाम। ले दिया रहमुल्ला या के करी रतन है? अरे तू तो मेरी सरपंची और खोगा ना। सरपंच साहब आपका कुछ नहीं बिगड़ा,
और उसने मरने दो, आप मना बचा लो। अरे तने बचाने की कोशिश करने लग रहा हूँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा तने। हाँ सरपंच साहब बताओ मैंने क्या करना है। बाबर मंत्री बहुत तारीफ करी है, पढ़े लिखा है, समझदार से, ऐसा काम कौन करे भाई वो। अरे वो देखने भी आओगे किसा पढ़े लिखा है तू? मतलब सरपंच साहब कौन आओगा? एक मीडिया वाला होगा तेरे सवाल जवाब करण। मीडिया वाले क्या करेंगे सरपंच साहब? अरे तेरी पढ़ाई लिखाई चेक करने आओगे वह, तू पढ़े लिखा सह कौन सा वो? ठीक है मैं संभाल लूँ, आप चिंता ना करो। चिंता तीसरी बात की है, मदरसा साहब से तू? ना सरपंच साहब, मैंने बहुत बुद्धिमान मौलवी तालीम ली है। अरे मन बेरा थारे मौलवी कितनी ज्ञानी है। आपने मेरा नॉलेज के बारे में पता नहीं है ना, इसलिए आप इतना घबरा रहे हो, लेकिन आप चिंता ना करो मैं संभाल लूंगा। ठीक है जाइब, तू तैयारी कर ले। ठीक है सरपंच साहब, खुदा हाफिज। अरे हो रही, खुदा हाफिज, बुलंदी है जी। ठीक है जी। इकबाल मियां भी तो सरपंच का हाथ में, वो ही जान बचा सका। सरपंच की घनी जान पहचान से, वो आप पे कर लेगा, तू टेंशन ना ले। लेकिन यार इकबाल मेरे एक बात समझ में नहीं आई, या मीडिया क्यों अपना कागज लगी डाल गेल पड़ रही? मीडिया वाले तो फॉर्मेलिटी है, सरपंच अपने वोटा ना पानी में कौन जान देगा। देखिए यार कदी जिप्सी में पैर लटक दे जाऊं आड़ते। तो चिंता ना करे, मैं भीतर अकेला खड़ा हूँ, किकर की पेड्डी डाल। तू अकेला क्या कर लेगा, तू देखा है मेरा जनाजा सिर्फ। घनी बकवास ना करा रे, मल्टा फसवा भी दूंगा, पुलिस का मुखबिर हूँ मैं। तू तो यार इकबाल छुपे काला रुस्तम लिख दिया, बुरा ना मानना मजाक करो तो मैं तो भाई काली जान। लिकाडू के फोन जेब में था? ना तना अल्लाह कसम भाई जान, चल मजाक बंद कर, ये बता मन आगे क्या करना। मीडिया के सवाल की तैयारी कर ले तू। उसकी चिंता ना करे, मैंने तालीम बहुत अच्छी मिल रही है। किस पर तालीम ली है तने? मैंने सारी तालीम मदरसा में ली है, अरे मैंने फक्र है इस बात पर। बाकी मेरा आइडल तो जाकिर नायक रहोगा, सिर्फ जाकिर नायक। फिर तो सही कामयाब कर देगा अल्लाह तने। बस इकबाल में तो अल्लाह पर ही भरोसा। ठीक है मैं चलूँ, दुकान में कोई नहीं है। ठीक है, ठीक। राम राम भाई साहब। राम राम राम। आ जाओ बैठो। क्या हाल है सरपंच साहब? ठीक ठाक भाई साहब। भाई साहब आप सुनाओ। बस दया सरपंच साहब आपकी। दया तो भाई साहब आपकी है। नरेश भाई मन सारा मामला संभाल लिया, डरने की जरूरत होनी। मैंने भरोसा था, जिदे तो मैंने आपती कही थी। बाकी उस दूसरा मुल्ला ना तो बुलाओ, देखा किसा पढ़े लिखा है। अरे कड़े पढ़े लिखा था वो, मदरसा साहब से। अच्छा चलो बुलाओ फिर उसने, मैं भी आपने दिखाऊं मदरसा में कितना ज्ञान दिया जा है। नहीं बुला। अरे मोहित उसने बाबर ने बुलाया एक बार। ई बात है सुन के आन दे, आड़े ज्ञान की पोथी खुलेगी, देखांगे किसमें कितना करना है ज्ञान से। बड़ा बढ़िया माड़ा साहब, एक नंबर का पेट भरतेगा, कदे न कदे आड़े आड़े दाबू आते ना भाई जान। आप थाम बैठ जाओ ना, मैं आप चेक कर दूंगा। क्यों धूप लग रहे हो? धूप लाग रहा, आप परेशान हो रहे हो ना। मैं थर पे मूल्य विश्वास हूँ, 1% भी थमें पंचर पाओगा एक बताओगे 10 माड़े बैठ के देखूँ भाई। खुदा कसम ईमानदारी खाऊँ, मन विश्वास को ना थम जाए क्या ही खाते हो, मन विश्वास को ना सुती डाल। चलो ठीक है सर, लगा दें भाई साहब, बैठे रहो। बाकी एक बात है भाई साहब, महंगाई बहुत बढ़ गई। तो बाबर महंगाई के जिक्र करने ला रहा, तो पंचर रेट बताना चक्कर में नहीं। कुछ भी देख लो, आटा नमक चीनी सब के रेट आसमान छूने लग रहे हैं। इनके रेट बदलने तेरे दिक्कत हो रही है। पेट्रोल डीजल सब के तो रेट आसमान छूने लग रहे हैं। तेरे घर की साइकिल को इंदु बाबर में जिक्र करना है पेट्रोल डीजल के। ये भाई सब देख लो, गैस का सिलेंडर पहले 800 रुपया का आया करता, इब 1250 कर रखे। थोड़े दिन पहला तेरे तब 20 का पंचर लगवा ले गया था मैं, इब तेने डबल कर दिया, शर्म थर रही कोई मूल्य हो। लग गया भाई जान, ले जाओ अपनी साइकिल ले जाओ। के दो लठा रह गए इन्हें। ओ पंचर पुत्र तेरे सरपंच बुलाने ला रहा है। चल आऊं हूं। हां तावड़ा साइड दे ली। अल्लाह की फोटो तो हमारी तकदीर में कौन है, लेकिन आपकी तस्वीर अल्लाह की डाले संभाल कर रखी है। आपने जितना ही मदरसा में ज्ञान दिया है उसकी परीक्षा है आज। मैं अल्लाह तो दुआ करूँगा कि मना कामयाब कराएं। अगर मना काफी रोके सारे सवाल के जवाब बढ़िया डाल दे दिए तो मैं आपकी बताए हुए रास्ते पर चलूँगा, मतलब मैं खुद का बम बांधे की उड़ा लूँगा खुद ने। आमीन।
गड़े हुमा से गड़े हुमा से खील पता से जी पर कहने खाया करिए शिकर तो फारी तले फुआरे रख सोना तनाया करिए। सरपंच साहब कितना टाइम और लगा होगा वो आने में? अरे आने लग रहा होगा, लेकिन मैं फोन मिला एक पूछूं। वालेकुम अस्सलाम सरपंच साहब। सलाम तो होगी, इतनी देर कट लगाई दी थी। सरपंच साहब एक गाड़ी आ रही थी, उसका काम करो था। साइकिल कंधी आनी शर्मा होता ना। सरपंच साहब इंटरव्यू कर लिया शुरू? हाँ कर शुरू। ओ सोफा पड़ जा, मेरे सोफा ले लिया इसका इंटरव्यू। हाँ भाई साहब करा इंटरव्यू शुरू। हाँ जी भाई साहब करो शुरू, कोई मसला नहीं है। आपका पूरा नाम क्या है? बाबर आजम। कहाँ से हो आप? हैदराबाद से हूँ भाई साहब। अच्छा, सिराज अंसारी के साथ क्या रिश्ता आपका? सिराज अंसारी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है जी, मेरी उसकी मुलाकात तो यही हुई थी, उससे पहले तो मैं उसको जानता भी नहीं था। आप चाहे सरपंच साहब से पूछ लो। चलो वो तो कोई बात नहीं, आप ये बताओ कि पढ़ाई कहाँ तक हुई है? जी मदरसे तक। अच्छा मतलब अनपढ़ हो आप? जी नहीं, मैंने बहुत उच्चे दर्जे की तालीम ली हुई है। कोई डिग्री करी है आपने? हाँ मैंने BSc कर रखी है। कौन सी यूनिवर्सिटी से? MCSC कश्मीर से। MCSC या कौन सी यूनिवर्सिटी है? हम नाम ये पहली बार सुना है। मदरसा छाप साइंस कॉलेज कश्मीर। वो तो मेरा लग गया था मदरसा छाप तू। अरे भाई मक्खी पड़ी पानी में, दूसरा ले गया? नहीं नहीं भाई जान, मक्खी को निकालो मत। क्यों? अगर खाने में मक्खी पड़ जाए ना तो उसको निकालना नहीं चाहिए, बल्कि उसको और अंदर डुबो देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर उसके पैरों में बीमारी है ना तो अल्लाह ने उसके ऊपर हिस्से में एंटीडोट दिया है। अच्छा। और ये साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है। फिर तो प्रूफ भी मदरसा ही लैब में हुआ दिखे। हाँ भाई जान आपको कैसे पता? सरपंच साहब है सही में मदरसा साहब स्टूडेंट हो तो? मन तो पहला ही बताई थी भाई। अच्छा मैंने एक बात और बताओ, मैंने किसी सुनी थी मौलवी पे, वो नुका था अगर धरती सूरज का चक्कर कौन काट दी, सूरज धरती के चक्कर काटता है, इसमें कितनी सच्चाई मानो आप? माशाल्लाह सुभान अल्लाह जनाब, मौलवी ने बोला तो इसमें कोई झूठ की गुंजाइश ही नहीं है। धरती तो चपट है, धरती रोटेट नहीं करती, सूर्य ग्रह है। अच्छा सूर्य चपट को नहीं? जी नहीं, सूर्य तो गोल होता है। अच्छा किसी मदरसा वैज्ञानिक ने जाके देखा होगा? जी हाँ एक वैज्ञानिक ने जाके देखा था, हमारे गांव का ही था। अच्छा फिर वो सूरज तो बहुत गर्म हो है, जड़ा को नहीं वो? जी नहीं, वो रात को गया था, रात को तो ठंडा होता है। अच्छा यह बात है, नू बता सूरज क्यों घूमे है, उनके जरूरत धरती के चक्कर काटने की? जी सूर्य से गर्मी मिलती है जिससे हम ठंड से बचते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे तो धरती से दूसरी साइड भी है, इसलिए अल्लाह सूर्य घुमा देता है। अच्छा फिर धरती क्यों नहीं घूमती? या घूम सके है? धरती नहीं घूम सकती क्योंकि मोहम्मद रहमान रहीम इस पे आराम फरमा रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा 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 सही। ठीक है भाई जान मैं चलूँ, मेरा नमाज का टाइम हो गया। अच्छा नू तो बता दे नमाज में क्या मांगा करे? माला तो यह दुआ कराया करो किसी बेउद्दस वाला तो बचा के रख। ठीक से ओ मुल्ला तने वो काम कर दिया, मदरसा ज्ञान भीतर दिमाग बाहर है, साइंस हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल अभी जिंदा है। मन इतना विश्वास करे तेरे पर, तना मैं अपना आइडल मानया करता और तना मान दे रहा मैं आख्या। अरे मोडी गांधला बुरगी डाडी वाला, तेरे पर मन इतना भरोसा करा, दान दे किसे लागा हसदा इधर तो गोबर मखाने पड़े हैं, तेरे जो भी तालीम दी सारी मन अपने भीतर तारी, अरे वह एक पत्रकार आंधी पादगी डाल उड़गी, एक मिनट भी नहीं रुक पाई वहां, के काम आया मेरे तेरे तालीम, कोई काम नहीं आई, मदरसा में बैठे बैठे पाछा बाटन होगी, कोई काम नहीं आई तेरी तालीम मेरा, के सिखाया तेना मेरे ते, अल्लाह ने चांद के दो टुकड़े करे, एक धरती तो उस पार रहा है एक उस पार रहा है, कुछ भी कुछ भी पाड़ू तो कोनी 10 रुपये लाग रहे, और बतेरे काम है इसके। बेचैन सी
सांसे मेरी बेचैन सी सांसे मेरी पलके भी है हाँ भरी भरी इन आँखों में नींदे कहाँ बस तेरी ही दास्तां धर्म बदलने की सिर्फ एक ही सजा सरतन से जुदा सरतन से जुदा। अच्छा वो ही मौत का खौफ दिखावा है जो मेरे पूर्वजा दिखा था। तेरा रोइंगा भाई पुकारा है इब भी उल्टा आ जा तू नहीं मौत का फतवा निकलगा। इसी नफरत है इस सुसाइड बॉम्बर वाली आक्रामकता तलीकड़ का बाहर आ गया मैं। इमें शांति और प्यार का माहौल मरूंगा जिसमें मेरे पूर्वज रहा करे थे। मन डराने की कोशिश ना करे। राम राम।